गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी वन पार्ट दो पढ़ाने जा रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे वह समझेंगे। पार्ट दो, वर्ण और मात्राएं। बच्चों, चित्र में चिड़िया के मुख यानी कि मुंह से ची ची की ध्वनि निकल रही है, जो चा जमा ई और चा जमा ई से बना है। इसी रूप में सही ध्वनियाँ वन कहलाती है। बच्चों, अब हम वन की परिभाषा पढ़ेंगे। वन की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण वह है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, अब हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जिन वर्णों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण का पहला भेद है स्वर वर्ण। यह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, इसका उच्चारण अपने आप अर्थात बिना वर्ण की सहायता के होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 यानी कि 11 होती है। यह वर्ण आ से अ तक होते हैं। बच्चों, अब हम वर्ण का दूसरा भेद पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यह व्यंजन का से हा तक होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। यह व्यंजन श, त्र, ग और श्र है। दो वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे क जमा श से बनता है श, ग्या जमा इया से बनता है ग्या, ता जमा रा से बनता है त्रा, शा जमा रा से बनता है श्र। अब हम इनसे शब्द बनाएंगे। शा, शा से शब्द बनेंगे कक्षा, क्षमा, क्षण। ग्या से शब्द बनेंगे ज्ञानी, ज्ञान, आज्ञा। त्र से शब्द बनेंगे मित्र, त्रिशूल, शत्रु। श्र से शब्द बनेंगे श्रम, परिश्रम, श्रीमती। बच्चों, अब हम उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ा और ढा, जिसके नीचे नुक्ता लगता है, जिसे हम बिंदु भी कहते हैं। इन वर्णों को उच्चित व्यंजन कहते हैं। इन्हें भी वर्णमाला में शामिल किया गया है, जैसे घोड़ा, साड़ी, सीढ़ी, पड़ोसी, गढ़ आदि। अब हम आगे पढ़ेंगे अयोग व्यंजन। अना का नाम अनुस्वर और अहा का नाम विसर्ग है। यह अयोग वहा कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन। इससे बनते शब्द कैसे बनते हैं देखो। अंगूर, रंग, पंखा, प्रातः, नमहा, अथा आदि। बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं अनुनासिक।
अनुनासिक या चंद्रबिंदु। यह आधा चांद के ऊपर बिंदु का नाम अनुनासिक है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। यह वन के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे चांद, आँख, दांत आदि। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह मिलाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं, जैसे मा जमा अ जमा रा जमा आ, इससे क्या बनता है मोर। और भी उदाहरण देखते हैं, छोटी इसे किताब, बड़े उसे कबूतर, छोटे उसे पुल, ओ से औरत, ए से पेड़, ऐसे पैसा, छोटी बड़ी इसे इमली आदि। इसके अतिरिक्त रा व्यंजन का प्रयोग इस तरह किया जाता है, जैसे प्रेस, ट्रक, पर्वत, कर्म, ट्रेन, प्रेम आदि। ऐसे ही रा व्यंजन में उ और उ की मात्रा अन्य वर्णों की तरह ना तो ऊपर लगाई जाती है और ना ही नीचे, बल्कि यह मात्रा रा व्यंजन के बीच में लगाई जाती है, जैसे रुपया, रुचि। इस शब्दों में छोटा ऊ लगाया गया है। ऐसे ही रूठना, रूप, रुमाल, इस शब्दों में बड़ा ऊ लगाया गया है। बच्चों अब मैं एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। अस्वर की ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली रहती है। अ की अपनी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती। बच्चों अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्यों में हम प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे। वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण से आप क्या समझते हैं? इसमें आपको वर्ण की परिभाषा लिखनी है। उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ओ, ई, ई, ए आदि। प्रश्न दूसरा, स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? यह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। इसका उच्चारण अपने आप अर्थात बिना वर्ण की सहायता के होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। यह वर्ण आ से अ तक होते हैं। प्रश्न तीसरा, व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यह व्यंजन का से हा तक होते हैं। प्रश्न चौथा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। यह व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र है। प्रश्न पांचवा, अयोगवाह किसे कहते हैं? अना का नाम अनुस्वर और अहा का नाम विसर्ग है। यह अयोगवाह कहलाते हैं। यह ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन होते हैं, जैसे अंगूर, रंग, पंखा, प्राते, नमा अथा आदि। बच्चों अब हमने अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज का होमवर्क आपका प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है। इसके साथ साथ मैं पाठ को समाप्त करती हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।